आवाम इस बार ईद सादगी से मनाएं और बाजार की भीड़ मत बने। कांग्रेस कायद जिया अहमद का आवाम के लिए एक प्यारा पैगाम। लॉकडाउन के शुरुआत से अब तक रोजाना शहर के सलम इलाकों में खाने की तकसीम के साथ साथ गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन किट तकसीम करते आ रहे हैं। कांग्रेस कायद जिया अहमद ने आज भी गरीब आवाम को राशन किट तकसीम की। आज शहर के धर्मपुरी हिल्स में गरीब मुस्तहिक अफराद को राशन किट फराहम की। धर्मपुरी के अलावा नई पेट मंडल के फतेह नगर में करीब 25 राशन किट भेजे गए। जिया अहमद ने मीडिया से बात करते हुए शहर की आवाम को पैगाम देते हुए कहा कि इस साल ईद सादगी से मनाई जाए और शॉपिंग और खरीदारी के लिए बाजारों का रुख ना करें और ना बाजारों में भीड़ की शक्ल में नजर आए और ना ही बाजारों की जीनत बने, बल्कि सादगी से ईद मनाएं और खुदा से दुआ करें कि इस खतरनाक वबा को जल्द अज जल्द खत्म कर दे। लॉकडाउन की शुरुआत से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह राशन किट खाने के पैकेट का काम वफा जहाँ पर जारी है और गरीबों में डोर टू डोर पहुँचाया जा रहा है। और मेरी अदबन गुजारिश है कि इस रमज़ान के मौके पर जो लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, मेहरबानी फरमा कर हम लोग जो है सो लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मार्केट की भीड़ ना बने बेहतर होगा। क्यों? इससे पहले तबलीग जमात को निशाना बनाया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है शॉपिंग की वजह से बाहर निकले और भीड़ बन जाए, फिर एक बार हमारे पे उंगली ना उठे। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान की है, ये जितना हो सके सादगी से मनाइए और शॉपिंग के लिए बाहर जितना हो सके ना निकले। जितना हो सके हमको इस्लाम में इजाज़त है कि हम पुराने कपड़ों पे भी ईद मना सकते हैं और जितना हो सके ना शॉपिंग ना कीजिए, मेहरबानी होगी।